नमस्कार सभी को, मैं सभी को मेरी यूट्यूब चैनल मिस्टर यूनिवर्सल नमस्टिक पे सबको स्वागत करता हूँ। सभी ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को देखा, इसलिए सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो आइए, आज मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे मेरी तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो है भारत का एक रुपये के बारे में जानकारी देना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना। तो आइए मैं मेरी वीडियो शुरू करता हूँ। भारत का एक रुपया जो होता है वो सबसे पुराना और पहले छपाया गया पेपर मनी के अंदर आता है। ये जो एक रुपया है, ये एक रुपया 97 × 63 mm का होता है, यानी इसका जो लंबाई होता है वो 97 mm का होता है और इसका जो चौड़ाई होता है 63 mm का ये नोट होता है। यह एक रुपया का नोट 100 पैसा की बराबर है। एक रुपया का पहला नोट 1917 यानी 1917 में इसको बनाया गया था। 1917 से पहले इंडिया में एक रुपया का चांदी का सिक्का चलता था। यह जो चांदी का सिक्का है, ये सिक्का पहले चलता था नोट से पहले, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समय चांदी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते सभी चांदनी को पिघला के इसका ईंटे बनाता था और उस ईंटे को बेचता था। इसके चलते सरकार को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए सरकार चांदी का कॉइन का परिवर्तन में एक रुपया का नोट यानी पेपर करेंसी छपरा। जो फर्स्ट एडिशन था वो एडिशन किंग जॉर्ज फाइव का फोटो वाला नोट था। उसके बाद 1926 पर वो नोट को बंद कर दिया गया था। फिर दोबारा 1940 पे दोबारा ये नोट का एडिशन शुरू किया और उसमें किंग जॉर्ज सिक्स का फोटो था। उसके बाद 1994 में एक रुपया का नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस समय एक रुपया का नोट का छपाई के लिए जो खर्चा आता था वो 1.48 यानी 1.48 रुपया आता था, इसलिए 1 रुपया का नोट को उस समय बंद कर दिया गया था। मेरी वीडियो को सभी को उन्होंने ध्यान से देखे, आखिर तक देखे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और पक्का कमेंट करें कि कौन सी करेंसी आपको अच्छा लगता है या कौन सी करेक्शन का बारे में आपको वीडियो प्रेस करो। तो ये जो आपको 1 रुपया का नोट दिखाई दे रहा है, ये 1 रुपया का नोट 1942 के बाद से बनाना शुरू किया गया था और ये 1 रुपया का नोट 1994 में एकदम बंद कर दिया गया था, इसका लागत खर्च ज़्यादा आने की चलते। उसके बाद 5 मार्च 2015 पे नया 1 रुपया का नोट, जो नया एडिशन है, उसको बनाया गया है। ये 1 रुपया का नोट के बारे में एक बहुत ही खास बात है जो बाकी और किसी नोट पे नहीं है। आप लोग सभी देखे होंगे जो बाकी नोट है 10, 20, 50, 100, उसमें सारे में गवर्नर ऑफ इंडिया का साइन किया हुआ रहता है, लेकिन ये जो 1 रुपये का नोट है आप देख पाएंगे इसमें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसका साइन किया गया नोट है। ये 1 रुपया का ही नोट है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर का साइन रहता है, बाकी सारे नोट पे गवर्नर ऑफ इंडिया जो होता है उसकी साइन रहता है। तो अभी जो पहला नोट आपके पास है, ये नोट है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का साइन किया हुआ और पहला जो इस मिनिस्टर है इसका नाम है प्रताप किशोर काले, यानी 1985 में ये नोट बनाया गया था। इसमें यहाँ पर एक रुपया का कॉइन का फोटो है, साथ ही साथ साइड में एक वाटर मार्क भी दिया गया है। ये जो वाटर मार्क है, इस वाटर मार्क में आपको दिखाई देगा जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ का फोटो इसमें दिखाया गया। ये अच्छी तरह से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ लैंग्वेज इस पर लिखा हुआ है। ये इसका फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में हिंदी पे लिखा हुआ है 1 रुपया, साथ ही साथ लिखा है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उसका साइन है। नोट की सीरियल नंबर है 1 रुपीस, वाटर मार्क, साथ ही साथ 1 रुपया लिखा हुआ है। इसी नोट का जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में इस नोट का दिया गया है सागर सम्राट यानी तेल उत्पादन करने वाला एक जहाज का फोटो है। ये जापान की सहायता में इंडिया में बनाया गया था, साथ साथ 1 रुपये का सिक्का है। एक बात दोस्तों और है, जो 1 रुपये का नोट है, इस नोट में टोटल 15 भाषाएं दिया गया है। इस साइड में 13 भाषाएं है, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मिला के टोटल 15 भाषाएं इसमें दर्ज किया गया है। सबसे पहले जो भाषा आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो भाषा है ये है ए टका, यानी ये जो लैंग्वेज है ये असमिया लैंग्वेज है।
उसके बाद जो भाषा दिया गया वो बंगाली लैंग्वेज है जो बंगाल में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो लैंग्वेज है वो गुजराती है। चौथा नंबर पे जो है कन्नाड़ा है, यानी जो कर्नाटक में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कश्मीरी लैंग्वेज है, कश्मीर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद मलयालम लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो केरला में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो लैंग्वेज महाराष्ट्र का मराठी लैंग्वेज में दिया गया है। उसके बाद उड़ीसा का उड़िया लैंग्वेज है। उसके बाद पंजाब का पंजाबी लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 13 लैंग्वेज में यहाँ पर एक रुपये का नोट लिखा हुआ है। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मिला के 15 लैंग्वेज यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए वाटर मार्क जो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें अशोक स्तंभ का फोटो साफ नज़र आ रहा है। ये जो एक रुपये का नोट है, इस समय फाइनेंस मिनिस्टर एस वेंकट रमन जी था। ये भी एक रुपये का नोट है, सागर सम्राट का फोटो है, इसमें प्रशांत किशन कोलेजी था। इस समय फाइनेंस मिनिस्टर था बिमल जलाम साहब। इस प्रकार अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी बिमल जलाम साहब का है, अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर का फोटो इसमें साइन इसमें दर्शाया गया है। यह है मेरा एक रुपया का जो नोट है उसका कलेक्शन है। तो सबको मेरी कलेक्शन कैसा लगा उसके बारे में पक्का कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना पक्का। ये जो एक रुपये का नोट है सब देखिए, इस नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी हमारा मनमोहन सिंह जी का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सभी से मैं विदा लेता हूँ। यहाँ पर मेरा एक रुपया का नोट की कलेक्शन का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा नमस्ते।